भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तृष्णाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, ऐसा लगता है बुढ़ापे में अतीत को याद कर करके हम बड़े सुकून में जीते हैं। जीने की तृष्णा बढ़ती है, खाने को बहुत मन करता है, ज्यो ज्यो बत्ती सी टूटती है त्यों त्यों खाने की तृष्णा बढ़ती चली जाती है। मालूम है ये दांत क्यों तोड़े गए थे, ये बाल सफेद क्यों किए गए थे, ये आंखों की रोशनी कम क्यों की गई थी? एक बात स्मरण में रखना कि जब भी बाल सफेद होते हैं ना, कान के पास से ही होते हैं। सभी देख लेना आईने में जाकर के, यहां से सफेदी बहुत कम आती है, अपवाद होंगे, कान के पास से ही सफेदी आती है। मालूम है ये कान के पास से सफेदी क्यों आती है? क्योंकि वो कान के पास बाल आकर कहते हैं कि तूने हमें बहुत साबुन लगाया, शैंपू लगाया, बहुत सुगंधित तेल डाला, पागल अब हम सफेद हो चुके हैं, अपनी भी काली करतूत छोड़ और जिंदगी को सफेद बनाने का प्रयास कर ले। वह कान में आकर हमसे कहते हैं अपनी काली जिंदगी को सफेद बनाओ। ईश्वर ने कहा कि बहुत खा लिया, एक से एक नरम नरम, तरम तरम, गरम गरम, बहुत खा लिए रस मलाई, बहुत खा ली चमचम, बहुत खा लिए इडली डोसे, बहुत खा लिए सांभर बड़े, बहुत खा लिया पिज्जा, और क्या क्या होता है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा जय कुमार, बहुत पानी पूरी खा ली। कहने का मतलब इतना है कि अब ये जुबान और ये दांत उखड़े हुए कहते हैं कि देख बहुत खा लिया, अब खाना पीना छोड़, अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जीवन उसी का नाम हुआ करता है। लेकिन क्या करें, यहां दांत टूटते नहीं वहां बत्ती सी लगती है, बाल सफेद होते नहीं खिजाब कर लिया जाता है, तृष्णा नहीं मिटती है, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर, बुढ़ापे में कैसे रहे अपने घर में? ऐसे रहो जैसे पड़ोसी के घर में रहते हो, पड़ोसी के घर जाते हो, पड़ोसी कहता है आइए बैठिए, तभी तो आप बैठते हो ना। पड़ोसी कहेगा क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, तो क्या बोलते हो आप, बोलिए ठंडा। ललित ठंडा पिला आवाज, ठंडा लेंगे या गरम? नहीं नहीं कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, खाना आता है, खा रहे हो, नमक कम भी है तो खाओगे। पूछेगा क्यों भोजन अच्छा? नहीं नहीं बहुत अच्छा है, नमक कम है? नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है, नमकदानी है ना, थोड़ा नमक डाल लेंगे। कितने प्यार से, बस सोचो पड़ोसी के घर जाते हो तो कितने प्यार से उसकी कमियों का भी इजहार करते हो। क्या बात हो जाती है जब घर में बहू नमक कम डाल दे तो थाली सुदर्शन चक्र बन जाया करती है। क्या दिक्कत होती है वहां, पड़ोसी की चाय फीकी भी अच्छी लगती है और घर की चाय मीठी भी नहीं सुहाती है। पड़ोसी के घर का सामान कहाँ रखा है, तुम केवल देखते हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करते कि ये फ्रिज यहाँ क्यों रखा है, ये सोफा सेट यहाँ क्यों रखा है, तुम कभी नहीं बोलते हो, चुपचाप देखते हो और चले आते हो। क्या वजह है कि एक अम्मा अपनी बहू को दिन भर टोकती रहती है, तूने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, ये सामान यहाँ पड़ा है। एक बात याद रखो, बुढ़ापे में तो शरीर भी पड़ोसी हो जाता है, तो अपने घर को भी पड़ोस की तरह जीना चाहिए, तुम्हारा जीवन आनंद में कट जाएगा। घाटा लग गया तुम क्यों जान दिए जा रहे हो, बेटा जाने उसका व्यापार जाने, कल एक गाड़ी का पहिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, जिंदगी की लीला खत्म हो जाएगी।
कितने आडंबर लेकर के दिमाग में जीते हो, दुकान नहीं चल रही आंसू बहा रहे हो, धत तेरे की तेरे चलने का समय आ गया और दुकान की बात करता है। विचार करिए, सोचे आप क्यों व्यर्थ के चिंताओं में जीते हो। शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है, बुढ़ापा आ जाए तो अपने घर के किसी एक कमरे में जाकर सीमित हो जाओ। बहु आवाज लगाए कि भोजन करो तो भोजन कर लेना, और भोजन के बाद चुपचाप जाकर फिर उसी कक्ष में बैठ जाना। अरे देखोगे तो भौंकोगे, भौंकोगे तो काटोगे, और काटोगे तो दशा कुत्ते से ज्यादा कुछ होने वाली नहीं है हमारी, ध्यान रखना। आरा मैं तो कहता हूं बुढ़ापे में कुछ नहीं हो, एक चादर तान करके सो जाओ, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए, किस किस को देखिए और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढांक कर सोइए। ध्यान रखिए, टोका टाकी मत करो, परिवार को सौंप दो उनका परिवार, जितना तुमसे बन पड़ा उतना तुमने किया, अब क्या बुढ़ापे तक हाय हाय ही करते रहोगे। ऐसा तो नहीं कि मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा है, उसे डॉक्टर से कहा मेरे बड़े बेटे को बुलाओ, डॉक्टर ने कहा बड़ा बेटा यही खड़ा है, बोले छोटे वाले को बुलाओ, बोले वो भी यही खड़ा है, बोले मंझले वाले को बुलाओ, बोले वो भी यही खड़ा है, बोले पत्नी को बुलाओ, बोले स्वामी मैं यही खड़ी हूं। कहते हैं मुल्ला ने अपने मुंह से वेंटिलेटर हटा के फेंका, कहा कमबख्त तो जब सब यही हो तो दुकान पर कौन खड़ा है, विचार करिए। अरे मेरे मरने की चिंता मत करो, दुकान की चिंता करो, दुकान पर कौन बैठा है, पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा, रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं। विचार करिए क्या जिंदगी है तुम्हारी। मुल्ला नसरुद्दीन के मरने का समय आया, मुल्ला से खट्टर काका ने पूछा इतना बीमार है कुछ इलाज करा ले। मुल्ला ने कहा क्या करूंगा इलाज करा के, बोले बेमौत मरेगा नहीं कराएगा तो। तो मुल्ला ने पूछा खट्टर काका जरा ये बताओ इलाज कराऊंगा तो कितना खर्च आएगा, बोले मर रहा है और खर्चों की पड़ी है, बोले वही डॉक्टर की फीस लगेगी। कितनी लगेगी, बोले 200-250 रुपए फीस होगी, दवाओं का पैसा होगा, दूध पिलाया जाएगा, अस्पताल के किसी वार्ड में रखा जाएगा। अरे बोले टोटल बता कितना खर्च आएगा, बोले आज के युग में वही 4-5 हजार रुपए का खर्च आएगा। तो मुल्ला ने कहा यदि मर जाऊं तो कितना खर्च आएगा, बोले मर जाऊं तो कितना आएगा, 200-250 रुपए का एक कफन आएगा, थोड़ी बहुत लकड़ियां आएंगी, बोले टोटल बता, बोले 1000-1200 रुपए। तो मुल्ला ने कहा भाड़ में गया इलाज, मरना फायदे में है, जो सस्ते में निपट जाए वही काम कर लेना चाहिए। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर, उदार वृत्ति रखिए। जितना हाय हाय करेंगे प्राण उतने मुश्किल से निकलेंगे, प्राणों को मत अटकाओ, नहीं तो आदमी मरते समय भी प्राण अटका लेता है। एक बूढ़ा मरा, मरने लगा, बोला महावीर को बुलाओ। लोगों ने कहा जिंदगी भर तो मंदिर नहीं गया, अब कह रहा है महावीर को बुलाओ। बोले सुधर गई इसकी गति विमल जी, बोले तर गया ये तो, जीवन भर ईश्वर का नाम ना लिया, मरते समय कह रहा महावीर को बुलाओ। पत्नी ने कहा मेरा सौभाग्य तर गया, कम से कम महावीर महावीर तो कर रहा है। बोले महावीर को जल्दी बुलाओ, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लोगों ने कहा कि पागल हो गए तुम, ऐसे महावीर आते हैं क्या स्वर्ग से। उसने कहा किसने कहा स्वर्ग के महावीर बुलाओ, तो बोले कौन सा महावीर, बोले वही रामलाल जो 15 साल से नौकर है अपना महावीर, मैं कह रहा हूं उसे बुलाओ। ध्यान रखिए, आप सोचे नाम ईश्वर का है, ध्यान नौकर का है, कहीं ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं है
कि हम जाप माला तो प्रभु के नाम की रखते हैं, लेकिन ध्यान माल पर रखते हैं, मरते समय भी माल से हमारी मुक्ति नहीं हो पाती है। मान्यवर, जीवन के अंत समय ईश्वर के नाम में गुजारना चाहिए। अधिक से अधिक स्वाध्याय करो। लालमणि जी यहां बैठे हैं, मैंने कहा कैसा चल रहा है? बस आराम से चल रहा है। कैसा लगता है? बड़ी त्रासदियों से गुजरा हुआ जीवन है। एक समय वह था कि समाज सेवा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया था, एक समय वह था कि समाज के हित में चिंतन करते रहे, बड़ी बड़ी त्रासदियां झेली। वृद्धावस्था में किसी पुत्र की मौत हो जाना, इससे बड़ी पीड़ा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। उसके बाद भी जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा नहीं छोड़ना। उनके एक शब्द याद आता है कि बुढ़ापे में क्या करोगे, कैसा लगता है, क्या चाहिए? उन्होंने कहा अब क्या चाहिए, खाने को दो टीकड़े, लेने को हरि नाम, और इसके अलावा बुढ़ापे में आवश्यकता ही किस चीज की है। निरंतर भावना है कि समाधि पूर्वक मरण हो। मैं कहता हूं जितना पुण्य आश्रव कर सको बुढ़ापे में कर लीजिए, फिर ये दोबारा मौका ना मिलेगा। घड़ी के 3 कांटे होते हैं, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और 1 घंटे का कांटा होता है। बचपन सेकंड का कांटा है, बड़ा तेज भागता है, इतना तेज कि आप देख नहीं पाते हो, भागते रहता है, 1 सेकंड भी रुकता नहीं है। ध्यान रखिए, वो सेकंड का कांटा तुम्हारा बचपन है जो कहता है मेरे पास रुकने को समय नहीं है, लेकिन वो चलता बहुत है लेकिन काम बहुत कम करता है। मिनट का कांटा उससे कम तेज चलता है पर काम उससे ज्यादा करता है। वो घंटे का कांटा चलता हुआ दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी चलता है। मेरे भाई, चलता हुआ नहीं दिखता लेकिन एक बारी खिसक जाए तो पूरे 1 घंटे की यात्रा कर लिया करता है। कभी स्कूल में जाकर के परीक्षा दी हो तब से देखना, 3 घंटे के पेपर में पहला घंटा बचता है, इसका मतलब अब 1 घंटा आपका बीत चुका है। अब आप जल्दी से लिखना पूर्ण करिए लिखाई को। 2 घंटे शेष बचे, दूसरा घंटा बजा तो ऐसा लगता है बस अब 1 घंटे शेष बचे हैं। रिवीजन करना है कर लो, जो करेक्शन लगाना है लगा लो, जितना लिखना है लिख लो। ध्यान रखना 1 घंटा बजेगा तो 1 घंटा बीत गया, जवानी खत्म हो गई। दूसरा घंटा बजेगा, जवानी बीत चुकी, बचपन बीता, जवानी बीती। तीसरा घंटा जब बजता है ना तो तीसरा घंटा कहता है अब काफी छीन ली जाएगी, अब आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। तीसरा घंटा बजते ही कॉपी छीन ली जाती है। वही कह रहा हूं, बुढ़ापे का तीसरा घंटा बज चुका कई लोगों का, कब कॉपी छीन ली जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। आपसे कह रहा हूं, कॉपी छीनी जाए उससे पहले कॉपी में कुछ पुण्य कर्म लिख लीजिए, कुछ सत्कर्म लिख लीजिए जो तुम्हारे ही काम आएंगे, वरना कोरियर कागज चला जाएगा, फिर वही रह जाएगा तुम्हारे पास कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। ध्यान रखिए, लिख लीजिए 2 घंटे 1 घंटे जिसका जैसा बीता, जीवन की डायरी में, जीवन की कॉपी में कुछ ऐसी इबारत लिखो कि मौत आकर इस जीवन का प्रमाण पत्र तुम्हें प्रदान करे। इतना तो कर ही लो इस पंचम काल में कि 100 में से 100 नंबर मिले या ना मिले, 33% की तैयारी तो आदमी को कर ही लेना चाहिए। आने वाले जन्म में हम मनुष्य हो सके इतना सत्कर्म जीवन में जरूर करो। समय हो रहा है आपका, फिर भी मैंने कोशिश की बोलने की। मुझे तो अनिल शाह अभी भी देख रहे हैं कि मत बोलो, लेकिन इतनी दूर से तुम आते हो,
चले आते हो। डॉक्टर ने भी मना किया कि नीचे नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, नीचे जाने को दीक्षा थोड़ी ली है, मैंने तो ऊपर जाने के लिए दीक्षा धारण की है, लेकिन मैं ऊपर ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा, जो नीचे बैठे हैं उन्हें भी तो साथ लेकर के जाना है।